भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए ने चंदन कुमार को चुना है। नवादा शुरू से ही चर्चा में रहा और गिरिराज सिंह जैसे हस्ती को यहां से हटाकर चंदन कुमार को दिया। हम चंदन जी से जानने की कोशिश करते हैं, चंदन जी हमारे साथ हैं। चंदन जी, सबसे पहले कशिश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज सिंह जैसे व्यक्तित्व को और चर्चित नेता को यहां से हटाकर आपको टिकट एनडीए ने दिया, कितनी बड़ी चुनौती इसे आप मानते हैं? कहां गिरिराज बाबू को यहां से हटाया गया, बेगूसराय उनको शिफ्ट किया गया। ये एनडीए की बैठक हुई, इसमें जो भी बड़े नेता हैं और बड़े पदाधिकारी हैं उनका डिसीजन हुआ, उनका फैसला हुआ। जिनको जहां भेजा गया, गिरिराज भैया को भेजा गया ये बेगूसराय, वो बेगूसराय गए। हमको नवादा भेजा गया डिसीजन करके, हम नवादा आ गए। कहां कोई बड़ी बात तो है नहीं, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती है, चूंकि उतने बड़े कदौर नेता, उनको मतलब फाइल लीडर्स कहा जाता है एनडीए में। जी जी। तो वैसे लोग, हालांकि मैं किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बहुत दिनों तक वो इस बात को लेकर रुष्ट भी थे कि यहाँ हम नहीं रहे, लेकिन चूंकि उनका एक विरासत है तो इसको संभालना कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती बन रहा है। सर, एक चीज जान लीजिए, विरासत ये एनडीए की है और नरेंद्र मोदी साहब की है, ना कि हमारी है, ना कोई 40 उम्मीदवार है उनकी है, जो भी है एनडीए की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विरासत है। और अभी देखिए, देश को, देश ही नहीं पूरा दुनिया नरेंद्र मोदी साहब को चेहरा को देख रहा है कि इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा, विदेश से भी लोग। और हमारे देश के जितने युवा पीढ़ी है या बुजुर्ग है, उनका सारा व्यू एक ही है कि नरेंद्र मोदी साहब, अब की बार नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने और देश हमारा और आगे जाएगा, बहुत आगे गया, लेकिन हमारा दुनिया में एक नंबर पे नाम होगा अगर नरेंद्र मोदी साहब दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और गिरिराज बाबू की बात आप कर रहे हैं बार बार, तो हम चाहेंगे कि एक बार गिरिराज दास से ही जाकर पूछ लिया जाए कि वो नाराज है क्या। हमें ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि परसों भी हमारी बात हुई, आशीर्वाद दिए, बोले भाई टाइम मिलेगा तो आएंगे, ऐसा तो उन्होंने बोला। ऐसे गिरिराज जी का आशीर्वाद भी आपको मिल गया और आपकी भी पूरी फैमिली राजनीति से जुड़ी हुई है, तो राजनीति आपके लिए नया नहीं है। चंदन कुमार को घेरने के लिए महागठबंधन ने भी पुख्ता व्यवस्था कर रखा है, तो क्या आपको लगता है कि उसके चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे या निकल जाएंगे? ये नवादा के लोग नहीं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो हमको कितना घेरेंगे। पहले आप अपने छवि को थोड़ा ठीक कर लीजिए, जो भी महागठबंधन का, उसके बाद हमको घेरने का काम करें। हमारे पास कोई ऐसा कुकर्म का कोई FIR नहीं है जिसके कारण महागठबंधन हमको या कोई जनता हम पे उंगली उठाकर बात करेगी, ऐसा नहीं है, और आगे ये उम्मीद भी नहीं रखते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि महागठबंधन दूर दूर तक कहीं कंपटीशन में दिख रही है। बाकी तो आप लोग गार्जियन है, आप देखेंगे कि क्या है नहीं है, पब्लिक से इसका ले सकते हैं। आप इस क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं, हर गांव में जाकर संपर्क कर रहे हैं कि राज्य ने इस इलाके के लिए बहुत काम भी किए हैं, तो आपका जो है इस बार मुद्दा क्या है, विकास है, राष्ट्रवाद है या भ्रष्टाचार है? देखिए, मेरा मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा है प्रधानमंत्री साहब आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और रामविलास पासवान जी का जो विजन है कि धरातल पर काम हो, धरातल पर काम हो, इसका मतलब वो रोड, बिजली, सड़क, रोजगार, लोगों को बाहर पलायन के लिए नहीं जाना पड़े, उसके बाद देखिए लोगों को खेलने का, शिक्षा का इंतजाम हो। उन्होंने, हमें लगता है कि इसलिए हमें भेजा है, ये धरातल पे मेहनत करके ये लड़का चंदन काम करेगा, इसलिए हमें भेजा है। इस नवादा से एनडीए के प्रत्याशी चंदन कुमार के बड़े भाई सूरजभान जी से हम सीधे बात करते हैं। दादा, इस पर क्या स्थिति आपको यहाँ लग रहा है? हालांकि मोदी लहर की तो सारी जगह चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ कौन कौन सी चुनौती आपको मिली? कोई चुनौती है, कोई लड़ाई है, जब समूचे यहाँ है सबका साथ, सबका विकास, सारी जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं। महागठबंधन ने घेरने की काफी कोशिश करी, महागठबंधन ने एकता है, ये रहे इसे मारिए, इसे मारिए, कोई अति महागठबंधन ने एकता है, इनका प्रधानमंत्री कौन है, कौन कह रहा है इनके पास प्रधानमंत्री का? और इसे देश नहीं, देश के नौजवान, सारी जाति धर्म का लोग, सबके साथ, सबका विकास, पूरे दुनिया चाह रहा है मोदी कहां पे, भारत का प्रधानमंत्री रहा,
तो देश तो अपना देश ही है। पूरे बिहार में क्या स्थिति रहेगा? पूरे बिहार में एनडीए का डबल खाता नहीं खुलेगा, जिसे की 2-4-1-2 एक्सप्रेस हो जाएगी, जिससे दुनिया अनर्थ हो जाएगा, जिनको 3 सीट आएगा महागठबंधन पर। भाजपा आज एक चीज बताइए, आप पत्रकार हैं, दिल पर हाथ धर के पूछिए कि 90 और 2004 तक देश की क्या हालत थी, देश के बागडोर संभाल के पूरे दुनिया में नाम किए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, बिहार का क्या हाल था छुपा हुआ नहीं है, आप ही जाते होंगे जहां 3 घंटा पहुंचने का वहां 8 घंटा लगता है, आदरणीय नीतीश जी इनके इस कोना से इस कोना आने में कितना समय लगेगा, 5 घंटा में कहीं से कहीं बिहार के किसी कोना से चले आवेंगे, पहले आए चलते थे कल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, गाड़ी मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे घर में बिजली रहेगा कि नहीं रहेगा, और हमारे बिहार में जितनी बिजली पैदा होता था आदरणीय नीतीश जी ने उतनी बिजली की जिसे की व्यवस्था किया बिहार में, हमारे बच्चे अंधेरे में रहेगा, मेरे स्टेट से दूसरे स्टेट बिजली खरीदेगा, 7 निश्चय बिहार में इन्होंने शिक्षा दिए, स्वास्थ्य दिए, लाइन ऑर्डर दिए, क्या चीज जिसे की नहीं दिए, देश जाएगा उनके साथ की देश जाएगा जिसे की जिनको कहा जाता है पप्पू उनके साथ पूरे देश ने मन बनाया। अच्छा जुमलाबाजी नहीं बुझाता है, किसानों के लिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए उसकी जोड़ा है, देखे हर वर्ग के लोग में किसान होते हैं, किसान की कोई जात नहीं होती है, और उन्होंने किसानों पर फिक्स कर दिया कि इतने एकड़ पर इतनी पैसा, और बीच में कोई रहेगा नहीं, मुखिया जी वीडियो साहब सीओ साहब के आगू पाछू नहीं करेगा, वे डायरेक्ट उनके खाता में चल जाएगा और अकाउंट नंबर नरेंद्र मोदी जी अपने अकाउंट करते हैं। चलिए धन्यवाद।